राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। अजमेर में सरधना और बागड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच दो जगहों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की ये साजिश तीसरी बार अंजाम दी गई है। जानकारी के मुताबिक मामला रविवार रात का है, जब फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग पर मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मंगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। रिपोर्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन कर्मचारी रवि बुंदेला और विश्वजीत दास ने दर्ज कराई है। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में अब अजमेर जिले में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। लगातार कई जगहों से खबरें ऐसी आ रही हैं। आखिर ये बड़ा सवाल है कि इन पर कब रोक लगेगी।